दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिहार के शाहजहांपुर गांव में एक शख्स की मौत हो जाती है। उस मरे हुए शख्स के अकाउंट में 1,17,000 रुपए जमा थे। तो गांव वालों को तो पता था कि बैंक वाले तो पैसे नहीं देंगे, तो गांव वाले उसकी अर्थी को अपने कंधे पर लाद कर सीधा बैंक जा पहुंचे, जिसे देखकर बैंक कर्मचारियों के तो तोते ही उड़ गए। फिर बैंक वालों ने पैसे दिए या नहीं, ये जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बस आगे सुनते जाओ। दोस्तों, क्या आपने उड़ता हुआ समंदरी जहाज देखा है? अगर नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ऐसी ही एक घटना इंग्लैंड के एक तट पर हुई, और ये रही उसकी फोटो जिसे डेविड मॉरिस ने कैप्चर किया। हैरान कर देने वाली बात तो ये है, रुक जाओ, सब कुछ यहीं बता दूंगा तो आगे क्या दिखाऊंगा। दोस्तों, अब आप आराम से बैठ जाइए, अब आपको मजे के साथ साथ ताबड़तोड़ बातें भी पता चलने वाली हैं जो आपको हैरान कर देंगे। और हाँ, नेशनल मीडिया को मैं कहना चाहता हूँ, अपनी बकचोदियां कम करो, वो मैं कर लूंगा। आप जाके देशभक्तों के साथ टीम बनाइए, अंधभक्तों के साथ नहीं। मैटर हद से ज्यादा सीरियस हो रहा है, सुधर जाओ। तो स्वागत है आपका इस आलतू फालतू वीडियो में, और इस एपिसोड का नाम है क्या बात है। तो आप सबकी रिक्वेस्ट से बोल रहा हूँ दोबारा वो वर्ड, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बदमाश आइकॉन उर्फ बकचोदी वाला टैग। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना करते हुए चल गुरु हो जा शुरू। दोस्तों, आप सबने तो सुना ही होगा कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन कभी कभी सपने में भी आपको कुछ ऐसा दिख जाता है जो आपको रातों रात रोड से करोड़पति बना सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ टोरंटो सिटी में रहने वाली 57 वर्षीय एक औरत के साथ, जिसका नाम है डैंक प्राटू डॉन। डैंग के पति को 20 साल पहले सपने में एक लॉटरी नंबर दिखा था, जिसे वह अपनी पत्नी को बार बार बताता था। उसके बाद डैंग जब भी लॉटरी नंबर खरीदती थी तो उसी नंबर को खरीदती थी जो उसके पति के सपने में आता था। और 20 साल यूं ही टिकट खरीदने के बाद आखिरकार रब ने उसकी सुन ही ली। सुनी भी तो ऐसी सुनी कि उसको बंपर जैकपॉट उसके हाथ में पकड़ा दिया, वो भी 1 या 2 करोड़ नहीं, पूरे 340 करोड़ का। हे रब्बा, कभी हमारी भी सुन लिया कर, हमें भी दे दिया कर। डैंक के तो अब मजे ही मजे हैं। आई होप कि डैंक उन पैसों का सही इस्तेमाल करे। तेरे को क्या लेना? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक कहावत है कि खुद गलती करने से पहले हमें दूसरों की गलतियों को सीखना चाहिए कि खुद गलती करने से पहले हमें दूसरे लोगों की गलतियों से सीखना चाहिए। Am I right? हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। ऐसी ही एक गलती 1988 मिशिगन यूएसए में जे सोमर्स नाम के बंदे ने की। वो तब 20 साल का था। वो 5 लकी विनर्स में से एक था जिन्हें करीबन $29 मिलियन की लॉटरी लगी। क्योंकि वो एक प्रोफेशनल रेस कार ड्राइवर था, तो उसने हाथों हाथ 5 लग्जरी गाड़ियां खरीद डाली और $3 लाख फूक डाले। उसके बाद टैक्स भरने के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए तो उसने अपने सारे पैसे मैनेज करने के लिए अपने बिजनेस फ्रेंड को दे डाले, जिसके बाद वो दोस्त ना रहा और उसके दोस्त ने पर्पज उसके पैसे उस जगह इन्वेस्ट किए जहां वो उसे खा सके। और ऐसे करते करते बेचारे के सारे पैसे चट कर गया, जिसके बाद सोमर्स पिज्जा बेचने पर मजबूर हो गया। और आजकल वो घर घर जाकर लोगों के नाक फोड़ता है। प्लीज शेयर दिस वीडियो। तो इससे आपको क्या सीख मिली? एडवाइस लो, लेकिन पैसा खुद इन्वेस्ट करो। समर्स भाई तो अब पछता रहा था क्योंकि उसने कोई भी सेविंग्स बचा कर नहीं रखी। लॉटरी लगे या ना लगे, यार सेविंग्स तो हम कर ही सकते हैं और करनी भी चाहिए। और अगर ज्यादा सेविंग नहीं रखनी तो एटलीस्ट ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जो ट्रस्ट वर्दी हो, जैसे कि 5paisa, जो कि रजिस्टर एंड टॉप ब्रोकर कंपनी है, जिसमें आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। 5paisa ही क्योंकि 5paisa अवार्ड विनिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि इजी टू यूज होने के साथ साथ हैसल फ्री भी है, और यह सुपीरियर ऑफरिंग्स देता है। और यही वजह है कि 5paisa के साथ 12 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़े हैं। 5paisa की मोबाइल ऐप से आप 5 मिनट में अकाउंट खोल सकते हो। इसे डाउनलोड करें, मोबाइल एंड ईमेल वेरीफाई करें, पैन कार्ड भरें और बैंक डिटेल्स वेरीफाई करें, जिसके बाद कुछ पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस, ऑक्यूपेशन एंड इनकम डिटेल्स भरनी है, और लास्ट में ई साइन करें, है ना जान। 5paisa की मोबाइल ऐप में आप इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन, कमोडिटीज, करेंसीज, गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स में एक ही जगह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसमें आपको मार्केट रिसर्च और स्टॉक टिप्स रोजाना मिलेंगे, है ना एकदम यूजफुल ऐप। यही नहीं, ऑफर 250 कोड यूज करने पर आपको अपने अकाउंट में ₹250 मिलेंगे, जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। अभी 5paisa डीमैट अकाउंट खोलो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जाओ एंड मेक योर इन्वेस्टमेंट इजी एंड रिवॉर्डिंग। दोस्तों, क्या आपने द ग्रज नाम की बिल्डिंग के बारे में सुना है, जो कि लेबनान में स्थित है। इसे बिल्डिंग या दीवार भी कह सकते हैं क्योंकि यह बिल्डिंग नैरो साइड से सिर्फ 2 फीट चौड़ी है और वाइडेस्ट पॉइंट से 14 फीट। चौंका देने वाली बात सिर्फ इसकी चौड़ाई नहीं है, वो ये है कि इसे दूसरी बिल्डिंग के आगे क्यों बनाया गया। लोगों का मानना है कि 2 भाइयों का वहाँ पर प्लॉट का मसला था, जिसका प्लॉट रोड के साथ था, उसको कम जमीन हिस्से में आई क्योंकि वहाँ से रोड निकल गई, तो दूसरे भाई ने तो वहाँ पर बिल्डिंग खड़ी कर दी और वो चिढ़ाता था दूसरे को, मेरी बिल्डिंग सीधा समंदर दिखता है क्यों मानता है। तो 1954 में
जिस भाई को कम जमीन मिली थी उसने गुस्से में आकर अपने भाई की बिल्डिंग के जस्ट आगे जितनी भी जगह उसके हिस्से में थी, जो 2 फीट जगह उसके नाम थी, वहां पर उसने 14 मीटर ऊंची दीवार खड़ी कर दी कि देख ले आजा, दिखाऊं तेरे को मैं समंदर, ताकि उसकी भाई की बिल्डिंग का सी व्यू खराब हो सके, ताकि वो समंदर ना देख सके। और गाइस ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि आज वो लेबनन की वो 2 फीट वाली बिल्डिंग लेबनन की मोस्ट एक्सपेंसिव बिल्डिंग है और एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बनी हुई है। और हाँ, इसमें लोग रहते हैं, 2 अपार्टमेंट है, एक में किचन है और दूसरे में कुछ रूम्स है, और इसकी छत से सी व्यू का, समंदर का पूरा लुत्फ उठाया जा सकता है। पीछे वाले भाई को चिढ़ाते हुए, हाँ भाई आगे स्वाद चिढ़ा रहा था साढ़े। दोस्तों अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर शायद आप भी यह सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि वास्तव में हमारी दुनिया रियल है या फिर एक गेम सिमुलेशन। दोस्तों इंग्लैंड के एक टाउन फॉलमाउथ में, जो कि समंदर किनारे है, डेविड मॉरिस नाम के बंदे ने वहां पर कुछ ऐसा देखा जो कि वास्तव में रियल होने लायक नहीं था। उसने देखा कि एक बड़ा कंटेनर शिप पानी की सतह से ऊपर उठा हुआ था और उड़ रहा था हवा में, जिसके बाद उसने तुरंत उसकी फोटो कैप्चर की। गाइस ये कुछ सिमिलर सा नहीं लग रहा? जब पबजी में हम एटेक्स की स्कोप लगाकर पहाड़ी पर देखते हैं तो पहाड़ी नीचे होती है, बंदा ऊपर चल रहा होता है, होता है ना कभी ऐसा ग्लिच, वैसा ही सिमिलर सा कुछ ये था, बट ये रियल लाइफ में था। लोग अपनी असली आंखों से बिना स्कोप के देख पा रहे थे कि कैसे वो हवा में उड़ रहा है। क्या ये नेचर में ग्लिच हो गया है या वो सच में उड़ रहा था? बीबीसी मीटियोरोलॉजिस्ट डेविड ब्रेन की माने तो उन्होंने कहा कि ये एक टाइप का इल्यूजन है जो खास वातावरण कंडीशन होने पर ही होता है, इससे लाइट बैंड हो जाती है, और इसी वजह से वो शिप लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो हवा में उड़ रही है। इसे देखने के बाद एक ख्याल आता है कि रियलिटी कभी कभार कितनी अनरियल हो सकती है, लाइक अ गेम सिमुलेशन, और इसमें ग्लिच भी होते हैं, ग्लिचेस इन द नेचर। अगर ग्लिचेस होते हैं तो बहुत होते होंगे, जैसे कि इंटरनेट पर जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे ये न्यूज़ देखने को मिली। एक स्नेक ब्रीडर ने एक्सीडेंटली एक ऐसे स्नेक को ब्रीड किया जिस पर 3 स्माइली फेसेस या इमोजी बने हुए थे, और उसने उस स्नेक को करीब $6,000 में बेचा, मतलब करीब 4,20,000 रुपए में। काफी हैरान कर देने वाली बात है ना, पर हैरान मैं ये सोचकर हुआ क्या ये भी एक रियलिटी में ग्लिच हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी। काफी सोचने के बाद मुझे ये लगा, हो या ना हो पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। रियलिटी देखनी किसे है जब तक लोग झूठ से ही खुश हैं, जो हमारा नेशनल मीडिया दिन ब दिन हर रोज अपनी हेडलाइंस के जरिए या सो कॉल्ड पूछता है भारत में दिखाता है। भारत तो ये भी पूछ रहा है कि पेट्रोल डीजल के भाव क्यों बढ़ रहे हैं, भारत तो ये भी पूछता है जहां रैलियां होती हैं, जहां इलेक्शन होते हैं वहां कोरोना क्यों नहीं जाता, डरता है क्या पॉलिटिशियन से, भारत तो ये भी पूछ रहा है कि क्यों हमारे देश में आजादी का मतलब चेंज करने की कोशिश हो रही है और संविधान को एक साइड करने की कोशिश की जा रही है, भारत तो ये भी पूछ रहा है साले तू जेल में नहीं गया अभी तक, और पूछ तो भारत ये भी रहा है कि क्यों हमारे अन्नदाताओं की सुनवाई नहीं हो रही, दिल दुखता है, और भारत तो ये भी पूछ रहा है कि आखिर क्यों जब कोई बंदा सरकार के खिलाफ आंदोलन करता है, आवाज उठाता है, तो उसे देशद्रोही का टैग मीडिया द्वारा दे दिया जाता है। क्या ये रियलिटी है? सोचने वाली बात है, आप भी कभी इस पर सोचना। मैं ये इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि अभी भी हमारे संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पर अगर हम नहीं जागे तो कुछ भी हो सकता है। बस अब और क्रिटिसाइज नहीं करूंगा क्योंकि कुछ भी हो सकता है, पल्ले पड़ा। और आखिर में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मेरे कभी फैन मत बनना, मुझे सपोर्ट कर सकते हो पर फैन मत बनना मेरे कभी भी, मेरे क्या किसी की भी मत बनना। और वो लोग समझ गए होंगे मैं किनको कह रहा हूं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मैं जिनको कह रहा हूं रिकॉर्ड खोल के देखो उस इंसान का, तुम्हें फैन बना गुन रहा है। अगर ये ना होते तो आपको घंटा कुछ नहीं पता चलता, यही है वो जो किसी को भी महान और किसी को भी नीचे गिरा सकते हैं, और अब इनका कंट्रोल किसी और के हाथ में है। खैर, कुछ अंधभक्त काफी दिनों से मुझे देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांट रहे थे, रिकॉर्ड खोल के देखो। आपने ये जरूर नोट किया होगा कि इस बंदे का ताल्लुक हमारे पड़ोसी मुल्क से है। मुझे नहीं पता तुम्हें कितने मुंह वाला कीड़ा काट रहा है। ये जो था कदम उठाया ना, उनको बराबर इनको समझ आ जाएगी हमने किन से पंगा लिया। सबसे ज्यादा जो मेन प्रॉब्लम है आई थिंक वो मसले कश्मीर है, हम सबको पता है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान से। मैं गलत को गलत और सही को सही कहूंगा, बात खत्म। जब पुलवामा में हमारे जवानों पर हमला हुआ था तब मैंने पाकिस्तान के आम लोगों को बहुत ही बुरा बुरा कहा था। ये तो जायज सी बात है, जब भी भारत में हमला होता है तो हमारे दिमाग में दोषी पाकिस्तानी आता है। हमारे यहाँ
ऐसा ही होता है। हम ये झुठला नहीं सकते हैं जब भी भारत में हमले हुए हैं, चाहे संसद में हो या ताज होटल पे, ये पाकिस्तान की तरफ से ही हुए हैं। हालांकि मैंने पाकिस्तान के आम लोगों को भी गलत बोल दिया था, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। दुआ करता हूँ कि आगे से कोई भी काम बॉर्डर के उस तरफ से ना हो। पर अब देश की जनता पुलवामा हमले पर जांच होना मांगती है। जनता जानना चाहती है कि गद्दार बॉर्डर के उस तरफ से आया था या उसे हमने खुद पाल रखा है। पर इसका मतलब ये नहीं पाकिस्तान शक के दायरे से बाहर निकल गया। जवानों की शहादत जाया नहीं जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पटना बिहार के शाहजहांपुर गांव में महेश यादव नाम के आदमी की डेथ हो जाती है, जिसका कोई भी घर में, खानदान में और कोई भी रिश्तेदार भी नहीं था, वो अकेला ही था। तो जब लोगों ने अंतिम संस्कार के लिए उसके घर की चेकिंग की कि कुछ पैसा वैसा मिल जाए तो इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, उन्हें पैसे तो नहीं मिले बट उन्हें कैनरा बैंक की पासबुक मिली जिसमें करीब 1,17,000 रुपए थे। तो गांव के लोग उसकी डेड बॉडी को उठाकर सीधा बैंक जा पहुंचे, क्योंकि गांव वालों को पता था कि ऐसे तो बैंक वाले पैसे नहीं देंगे। जब डेड बॉडी वहां पर ले जाई गई तो बैंक कर्मचारी हक्के बक्के रह गए, पर बैंक मैनेजर ने कहा कि वो 1,17,000 रुपए में से एक भी रुपया नहीं दे सकता, क्योंकि उसका अकाउंट फ्रीज है, 2 साल से KYC नहीं हुई थी इसी वजह से, और उसका कोई नॉमिनी असाइन भी नहीं था। लास्ट में जाकर कहीं मैनेजर ने 10,000 रुपए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अंतिम संस्कार करने के लिए दे ही दिए। बिग शाउट आउट टू दैट बैंक मैनेजर। अब पता चल गया कि पैसे तुम साथ लेकर नहीं जा सकते, खाली हाथ आए थे खाली हाथ ही जाओगे। इसलिए कहता हूँ मुझे दे दो, मैं हूं ना। टेंशन नहीं लेने का, मैं संभाल के रखूंगा, क्योंकि मुझे भी कौन सा साथ लेके जाने हैं। जोक्स असाइड गाइस, अब मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूं, बट सवाल पूछने से पहले आज का लाइक गेम रख लेते हैं, और मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप कर दोगे। गाइस, आज का लाइक गेम है 1,45,000 लाइक्स, तो ठोको लाइक, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, ठोको। तो गाइस, ये रहा आज का सवाल। दोस्तों, आपकी पैंट की जेब खाली है पर अब भी उसमें कुछ है, और आपको ये बताना है कि उसमें क्या है। अगर जिसको उत्तर पता है तो नीचे कमेंट कर दे, अगर नहीं पता तो इंस्टाग्राम पर मैंने वीडियो डाल दी है, अभी जाकर आप देख सकते हो, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा कहीं ना कहीं। और गाइस, लाइक कर दिया करो यार, अपने आप हर बार कहना पड़ता है। और एक बात बताता जाऊं, वैसे सच बात बताऊं तो भारत कुछ नहीं पूछता। मैं इस ठग को कहना चाहता हूं कि भारत जो चीजें पूछ रहा है ना इस वक्त, साले तुम बोलने लायक ना बचो। गाइज, सब्सक्राइब करके टल्ली क्यों नहीं दबा रहे हो? अगर नहीं दबाओगे तो गाइज अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको कैसे आएगा? तो नीचे लाल वाला बटन है, उसको दबा दो, बात खत्म। तो जल्दी करो यार, करो ना। एलजी कहता है कि तुम नहीं कर सकते, जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जो भी है सिर्फ इसी चैनल में और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल की कृपा से। तो बिना गाली दिए ओके बाय।